जय श्री शनिदेव महाराज की। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे फिर से एक नए व्लॉग में। और आज आपको लेके आया हूँ कोकिला वन धाम। और जैसे एक मेरे ठीक पीछे थे बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, यहाँ पर शनिदेव महाराज जी की आपको यहाँ पर प्रतिमा देखने को मिलेगी। और आज आपको मैं यहाँ पर शनिदेव महाराज जी के यानी कि कोकिला वन धाम के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ। सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देखूँ। और इस जगह में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, जब दिल्ली से आप जब कोसी की तरफ आप आएंगे ना, तो कोसी से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर आपको एक प्रवेश द्वार आपको यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, जो कि ये रास्ता जाता है नंदगांव से 3 किलोमीटर। और अगर आप बरसाना जाते हैं तो इसी रोड से आप 10 किलोमीटर की और बरसाना की तरफ जा सकते हैं। तो अभी आप प्रवेश जो द्वार आप देख रहे हैं श्री शनिदेव महाराज जी का, तो यहाँ से जो प्रतिमा जब स्टार्ट हो जाती है, आपकी परिक्रमा जो स्टार्ट होती है, लगभग बताया जाता है 3 से 4 किलोमीटर की परिक्रमा। और अगर आप यहाँ से सीधा अगर मंदिर की ओर जाते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ शनिदेव जी महाराज जी के, और आपको सारे दर्शन कराता हूँ। क्या टाइमिंग होने वाली है सारे आपको डिटेलिंग में हर एक चीज की जानकारी देने वाला हूँ। और अगर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर दे, ताकि आने वाले से नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को तक मिलते रहे। दोस्तों चलते हैं अभी अंदर और आपको करवाते हैं शनिदेव महाराज जी के दर्शन, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप शनिदेव जी की कितनी ही प्यारी कितनी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर कितनी बड़ी उसमें लगी हुई है यहाँ पर। और आप यहाँ पर साक्षात शनिदेव जी महाराज के आप दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर शनिवार वाले दिन। और आप वहाँ पर ऊपर जाके शनिदेव जी को आप यहाँ पर अपना तेल वगैरह चढ़ा सकते हैं उनको। और बिल्कुल उसके ठीक साथ में देखेंगे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक मंदिर है यहाँ पर, बड़ा ही छोटा सा प्यारा मंदिर, जो कि ये जो मंदिर है यहाँ पर बजरंग बली जी का मंदिर है। आपको मैं थोड़ा सा बिल्कुल नज़दीक लेके चलता हूँ और यहाँ पर आपको बजरंग बली के यहाँ पर आपको दर्शन कराता हूँ। नेचर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर। और ये ही बिल्कुल साथ में आपको साक्षात यहाँ पर आपको बजरंग बली जी भी दिखेंगे और आप यहाँ पर उनके दर्शन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितने ही प्यारे कितने खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज की यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी काफ़ी अच्छी खासी। और उसके बिल्कुल ठीक सामने आप देखें जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से नंदगांव अगर आप जाना चाहते हो तो 3 किलोमीटर, बरसाना ही यहाँ से आपको 10 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। और ऐसी आप जो बसेस वगैरह भी काफ़ी सारी बसेस वगैरह भी आपको दिख जाएगी, जो कि जब दर्शन करने के लिए यहाँ पर जाती है तो पूरी पूरी प्रॉपर तो आपको संपूर्ण यात्रा कराने को निकलते हैं, जैसे कि बस वगैरह भी जा भी रही है यात्रा करने के लिए। और ये बहुत ही प्यारा से खूबसूरत सा द्वार है यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी का अंदर जाने के लिए जो परिक्रमा मार्ग है ये आप देखेंगे। और ये ऐसा बताया जाता है कि जिसकी जो परिक्रमा है वो लगभग 3 किलोमीटर की है। और ये भी मैं आपको बता दूँ शनिवार के दिन अगर भी आप यहाँ पर आओ ना, तो वो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ आपको पैर रखने की यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी। और इसी रोड पर बड़े जोरों शोरों से यहाँ पर भंडारा वगैरह भी होता है हर शनिवार को यहाँ पर। और क्या था कि शुक्रवार की रात से ही मतलब यहाँ पर 8 बजे की मतलब शाम से ही यहाँ पर भीड़ वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती है और परिक्रमा जो कि रात की 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी खूबसूरत परिक्रमा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप यहीं से वापसी कर देखें तो दिल्ली यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है और मथुरा यहाँ से 46 किलोमीटर का। तो दोस्तों आपको जैसे मैं बता दूँ अभी हम लोग ई रिक्शा करके अभी अंदर की ओर आए हैं। जैसे आपने बाहर शनिदेव जी का मंदिर में आपने बाहर जो उनका मूर्ति देखी हुई जो काफ़ी बड़ी, जब आप उसके अंदर की तरफ आएंगे जो मंदिर जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ पर आप देख ही पाएंगे। ठीक सामने आपको शनिदेव मंदिर यहाँ पर देखने पाया। और जो परिक्रमा है वो यहीं से आपकी 1 किलोमीटर के बाद से आपकी इसी रोड से आपकी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि परिक्रमा का जो रास्ता मैं आपको बता दूँ वो यहाँ से आपको होता हुआ जाएगा। ये देखिएगा रोड के बिल्कुल बीचों बीच में आपको परिक्रमा मार्ग आपको देखने को मिल जाएगा। पहले तो आपको यहाँ पर देखिएगा हनुमान जी का मंदिर, देख सकते हैं यहाँ पर बंदर वगैरह भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये जो परिक्रमा मार्ग है गाइस, ये आपको मैं बता दूँ लगभग 3 से 4 किलोमीटर की बताई जाती है परिक्रमा। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये बिल्कुल शनिदेव मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और अगर आपने सीधे मंदिर की ओर जाना तो ये रास्ता आपको होते हुए जाएगा आपके। तो दोस्तों आज आपको मैं लेके आ चुका हूँ कोकिला वन धाम की ओर, और ये आपका सामने देख पा रहे हैं श्री शनिदेव मंदिर है आपका, क्योंकि ये आपका प्रवेश द्वार है। बिल्कुल हम यहीं से चलेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे, और बिल्कुल आपके कुछ साथ में आप देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका खाने पीने का सामान, आप यहाँ लोगों से फैमिली के साथ रुके खाना पीना भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप देखें चारों तरफ की ओर आपको यहाँ पर नज़ारा दिख जाएगा, तो लोग अपने यहाँ पर बस वगैरह से अपने खुद के व्हीकल वगैरह से यहाँ पर पार्किंग वगैरह भी अवेलेबल बिल्कुल है, तो आप अपना यहाँ से अपनी गाड़ी वगैरह भी लगा सकते हैं, बस वगैरह से यहाँ पर आ सकते हैं मंदिर की ओर। जैसे आप आगे बढ़ेंगे दर्शन करने के लिए और बाहर ही आपको प्रवेश द्वार पे आप लेकर जा सकते हैं यहाँ पर पूजा की सामग्री यहाँ पे यानी कि दर्शन करने के लिए शनिदेव स्वामी जी के लिए सामग्री मिल जाएगी यहाँ पर आपको। भैया कितने का है ये पूजा का सामान, कितने का है?
50, 100, 150, 200 भैया अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ 50, 100, 150 रुपए के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने लेके जा सकते हो। क्या क्या चीजें होंगी क्योंकि प्रसाद के अंदर भैया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको धूपबत्ती वगैरह मिल जाएगी, वो शनि जी महाराज जी को चढ़ाने के लिए तेल वगैरह मिल जाएगा, दीपक वगैरह सब कुछ चलती सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर लेके जा सकते हो आप दर्शनी द्वार से, और 50, 100 और 150 रुपए का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे तो वैसे आपको मैं बताऊं कि शनिवार के दिन यहाँ पर मतलब बहुत ही शुभ दिन माना जाता है कि यहाँ पर शनिदेव जी की पूजा करने से मतलब आपके जितने भी ग्रह क्लेश वगैरह जो भी है शनिदेव जी उनको मतलब काट देते हैं, कहना मतलब ये है। लेकिन अगर आप रविवार के दिन देखें, जैसे कि आज रविवार है यानी कि संडे का दिन है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी भीड़ वगैरह आई है, बस आए हुए हैं यहाँ पर लोग, अपने खुद की गाड़ियों से भी आए हैं, तो अभी अच्छा खासा क्राउड अभी आपको धीरे धीरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और लोगों ने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मन्नत मांगते हैं लोग यहाँ पर आके, कि मतलब अगर वो अपना घर यहाँ पर बनाते हैं मतलब ये ईंटों से, तो कहते हैं कि श्री शनिदेव जी उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं और बहुत ही मनोकामना उनकी जल्द से जल्द पूरी करते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा भी आगे आपको लेके चलता हूँ मंदिर की ओर, कराते हैं आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर आपको कोकिलावन धाम जी के दर्शन। तो ये देखिएगा यहाँ पर एक रेलिंग वगैरह बनाई हुई है, जब श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जब होती है तो इसी रेलिंग से ही लोग यहाँ पर वगैरह जाया करते हैं, बट अभी इतना नॉर्मल भीड़ है नहीं अभी यहाँ पर। जैसे कि बताया गया कि शनिवार के दिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने मिलेगी, तो अंदर चलने के लिए आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल वगैरह जो भी है आप यहाँ पर अपना उतार सकते हैं, उसके बाद आपको मंदिर की ओर अभी और लेके चलेंगे। और दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर की ओर, और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप मंदिर के अंदर फूल वगैरह अगर आप लेके जाना चाहते हैं प्रसाद वगैरह लेकर, तो सारी चीज़ें आपको मंदिर के अंदर मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर आपको गेंदे के फूल और कमल के फूल यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी, जो आप श्री शनि जी महाराज को यहाँ पर अंदर जाके सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके जोत वगैरह भी करनी हो, शनिदेव जी को मतलब तेल चढ़ाना हो, तो आपको यहीं पर आपको सारी चीज़ें पूजा वगैरह करने के लिए आपको देखो स्थान बना रखा है वहाँ पर शनिदेव जी महाराज का। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु वगैरह भी यहाँ पर आए हुए हैं ये देखिएगा, यहाँ पर सभी के यहाँ पर शनिदेव महाराज जी को यहाँ पर तेल चढ़ा दो, आपको सारी श्रद्धालु यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और अभी थोड़ा सा भी आपको पास में अभी और लेके चलता हूँ, और यहाँ पर देखिएगा लोग यहाँ पर अपनी अखंड ज्योत पे यहाँ पर अपना अगरबत्ती वगैरह धूपबत्ती वगैरह यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ पर ये देखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप एंटर करते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर मेन शनिदेव जी महाराज जी का साक्षात मंदिर यहाँ पर, तो सबसे पहले आप यहाँ पर शनिदेव जी के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं की काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भाड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मंदिर की ओर। जैसे आप जाएंगे ये देखिए, तो यहाँ पर आप अपना मंदिर के अंदर ही शनिदेव जी को आप यहाँ पर तेल वगैरह उन्हें चढ़ा सकते हैं। आप भी यहाँ पर अपना शनिदेव जी महाराज जी के यानी कि कोकिलावन धाम में आप शनिदेव जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। बाकी आपको बता दूँ वैसे शनिवार के दिन आप लोगों सभी को बताइए कि शनिदेव मंदिर में मतलब पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर भक्तगण वैसे भी यहाँ पर बड़े दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं कोकिलावन धाम में, और शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर आप अपना परिक्रमा मार्ग कर सकते हैं, जैसे कि ये भी सभी श्रद्धालु वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी आपको मंदिर की अभी और चारों तरफ अभी आपको लेके चलूँगा पूरा का पूरा मंदिर, आपको सभी देवी देवताओं के आपको मैं दर्शन भी रहा हूँ। अभी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ देखता हूँ, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई नज़र वगैरह कोई लगी हुई है, तो यहाँ पर पंडित जी से आप अपना नज़र वगैरह भी उतारा भी करवा सकते हैं यहाँ पर आप पंडित जी से काले कपड़ों के साथ। चलिए अभी थोड़ा सा भी आपको मैं अंदर की ओर लेके चलता हूँ, और यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज जी के यहाँ पर आपको अच्छे से आपको दर्शन करवाता हूँ आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद श्री शनिदेव जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर परिक्रमा करनी पड़ेगी, परिक्रमा में तो उसके बाद आप अपने मर्जी से अपने दान पात्र में अपनी श्रद्धा से जो भी आप दान करना चाहते हैं मंदिर के अंदर आप वो कर सकते हैं। उसके बाद अभी अपना परिक्रमा करने के बाद अभी अपना आगे भी लेकर हूँ मंदिर, और अभी सभी आपको देवी देवताओं के अभी आपको दर्शन कराता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे परिक्रमा करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर महादेव जी के देखिए शिव परिवार के यहाँ पर आप दर्शन कर पाएंगे। हर हर महादेव। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर शिव परिवार यहाँ यानी कि महादेव जी के यहाँ पर आप दर्शन कर पाएंगे। तो चलते हैं आपको महादेव जी के यहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बिल्कुल उसके ठीक साथ में आप यहाँ पर देखेंगे
आपको यहाँ पर बजरंग बली के यहाँ पर आपको दर्शन करने के मिलेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो यहाँ पर आप बजरंग बली के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम। और दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर, ये आपके बाहर जाने का रास्ता है, तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से आपका मंदिर का नज़ारा आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाहर आके। तो ये देखिएगा दोस्तों, अभी आपको मैं ये देखिए बाहर आते ही आपको एक मंदिर और आपको देखिए यहाँ पर राधा रानी जी का यहाँ पर ना, और यहाँ पर भी आप यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर परिक्रमा वगैरह आप कर सकते हैं पीपल के पेड़ की। यहाँ पर ये देखिएगा लोगों ने यहाँ पर अपनी जोत वगैरह भी जलाई हुई है, और ये देखिए और यहाँ पर ये देखिए दुर्गा माता मंदिर है यहाँ पर, लेकिन अभी वो फिलहाल बंद है। तो कुछ अंदर से आप कुछ आप देख पाएंगे जो कि शाम के टाइम 4 बजे के बाद कहा जाता है कि ओपन होता है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं उसके सामने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर बैठक वगैरह बना रखी है। यहाँ पर जितने भी संत महात्मा लोग यहाँ पर जाकर, आप लोग भी अगर यहाँ पर वेट करना चाहते हैं जिससे हम वेटिंग एरिया वगैरह बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम बैठक बनाई हुई बहुत ही खूबसूरत, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सरदार वगैरह यहाँ पर बैठे हुए और बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर रथ वगैरह बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर बंदर वगैरह भी आपको खेलते हुए आराम करते हुए आपको नजर आवाले। तो ये जो आपका जो दर्शन है ये बिल्कुल ठीक मंदिर के बिल्कुल आपको बाहर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रहा आपका शनिदेव प्रवेश द्वार। वैसे तो आपको बता दूं कि यहाँ से आप जब दर्शन करके निकलेंगे तो यहाँ से आप बाहर आएंगे और वो जो प्रवेश एंट्री है वो आपके सामने हो रही है, तो जहाँ से आपको मैं अभी आपको लेके भी चलूँगा अभी आपका। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं वो सामने आपका शनिदेव मंदिर है, जहाँ से अभी हम लोग दर्शन कर गए हैं। थोड़ा सा भी आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसके थोड़ा सा आप आगे देखें तो यहाँ पर आपको शिव मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप महादेव जी और शिव परिवार के आप यहाँ पर दर्शन वगैरह भी कर सकते हो, और बिल्कुल उसके ठीक साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो श्री गिरिराज जी का भी मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप गिरिराज जी महाराज के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। सामने देख सकते हैं एक कुंड है यहाँ पर, जैसा कहा जाता है कि यहाँ पर चर्म रोग वगैरह दूर हो जाता है इसके पानी के नहाने से, और उसके बाद आपको अपने जो वस्त्र होते हैं वो यहीं के यहीं छोड़ने पड़ते हैं। तो अभी आपको कुंड की तरफ लेके चलता हूँ, और इसके आप थोड़ा सा भी आगे जाओ तो यहाँ पर आपको नवग्रह मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 9 देवी देवताओं के आपको यहाँ पर आपको परिक्रमा वगैरह लगानी पड़ेगी और यहाँ पर आप उनके भी दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपना दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो कुंड जो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर आप अपना आराम से यहाँ पर कुंड में अपना डुबकी वगैरह लगा सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी आपके शरीर के जो चर्म रोग वगैरह होते हैं वो बिल्कुल चले जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जितने भी हैं श्रद्धालु यहाँ पर नहा रहे हैं, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पर उनको कहा जाता है कि मतलब ऐसी ही मतलब उनकी श्रद्धा है कि यहाँ पर कपड़े छोड़ने पड़ते हैं यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि जिससे कि उनके शरीर के अंदर जितने भी चर्म रोग हैं वो सारे के सारे धुल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कोकिलावन धाम में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे यहाँ पर आपको मिलेंगे यहाँ पर जो कि दर्शन करना है। हाय, कैसे हो, क्या नाम है गुड़िया आपका? निशा। निशा, और आपका? मनीषा। ओए निशा मनीषा, क्या बात है। और आप? परी। परी, आप सच में परी ही लग रहे हो। और आप? दीपिका। दीपिका, आप तो सच में दीपिका ही लग रहे हो। तो आप बताओ क्यों, कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोग पहली बार आए यहाँ पर और किसके साथ हो ये बताओ पहले। हम यहाँ पे पहली बार आए हैं, यहाँ पे हम नानी के साथ आए हैं। अच्छा, नानी के साथ आए, तो नानी जी कहाँ पर है? अच्छा, उधर बैठी हुई। तो नानी जी ने दर्शन कर लिए और आप लोगों ने दर्शन कर लिए, तो आप लोग यहाँ पर अभी क्या मतलब और कहाँ के दर्शन कर लिए, मतलब अच्छा बरसाना भी आप लोग भी जाओगे? तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को दर्शन करके कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और कब आए आप लोग यहाँ पर? हमें हो गया परसों। अच्छा परसों आए हो, ठीक है। और नानी जी अभी दर्शन कर लिए हैं आप? तो नानी को जो कहाँ छोड़ के आ गए आप लोग? अच्छा वहाँ पर बैठी हुई है। तो भाई ये प्यारे प्यार से यहाँ पर बच्चे वहाँ पर जो है दर्शन वगैरह कर लिए हैं, और आप इसके बाद आप सीधा बरसाना निकल रहे हो? तो बरसाना में ना एक रोप वे है उड़न खटोले जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, वहाँ के दर्शन करना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को वहाँ पर। अभी अभी वो हालिस वगैरह में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर्षवर्धन ब्लॉग्स के नाम से है, ठीक है। तो एक बार जरा राधे राधे बोल दो जोरों शोरों की। जय श्री शनिदेव महाराज की। तो दोस्तों दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं शनिदेव महाराज जी के। और जैसे आप ठीक देख पा रहे होंगे ये क्या कहते हैं यहाँ से बाहर निकलने का द्वार था, क्योंकि अभी हम यहीं से निकल के दर्शन वगैरह करके आए हैं।
आपको दर्शन करके कैसा लगा कोकिला वन धाम मंदिर के शनिदेव महाराज जी के, आप मेरे को कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। और अगर आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं कुछ फिर भी आपको सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स पे मुझसे टाइप करके अगर आप कुछ पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे टाइम टू टाइम। तब तक के लिए आपको फिर किसी और लोकेशन लिखाऊंगा चलूँगा। आप सभी को मेरा हर हर महादेव, जय शनिदेव। Thank you.